प्रियंका चोपड़ा एक ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने मनोरंजन की दुनिया में हर जगह पर हाथ अजमाया है। एक्टिंग में तो एक्ट्रेस का कोई जवाब ही नहीं है। लेकिन आपको यह पता होगा कि प्रियंका ने कुछ गाने भी गाए हैं जिन्हें लोगों ने खूब पसंद किया था। जब प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में अपना सफर शुरू कर रही थी तो उन्होंने अपने गाने रिकॉर्ड किए थे। लेकिन क्या वाकई प्रियंका चोपड़ा गा सकती है? प्रियंका चोपड़ा एक मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस है। वो एक शानदार एक्ट्रेस है, शानदार प्रोड्यूसर है और गायक भी है। एक्ट्रेस ने साल 2013 में दो अंग्रेजी गाने गाए थे, एक्जोटिक और इन माय सिटी। इन गानों के रिलीज होते ही तहलका मच गया था और लोगों को प्रियंका चोपड़ा के एक और टैलेंट के बारे में पता चला। एक्जोटिक और इन माय सिटी के रिलीज होने के बाद लोग ये जानना चाहते थे कि क्या वाकई प्रियंका गा सकती है, और इस सवाल का जवाब एक लाइव शो में मिला। प्रियंका चोपड़ा के दो गाने रिलीज होने के कुछ महीने बाद एक्ट्रेस अपने तीसरे सॉन्ग आई कांट मेक यू लव मी की रिलीज को लेकर एक शो में पहुंची थी। इस दौरान एक्ट्रेस से एक फैन ने गाने को कह दिया। ये डिमांड सुनकर प्रियंका पहले तो सकपका गई, लेकिन फिर गाना गाने के लिए तैयार हो गई। उन्होंने उस फैन को भी स्टेज पर बुलाया जिसने एक्ट्रेस को गाने के लिए कहा था। डिमांड पर स्टेज पर प्रियंका चोपड़ा ने गाना शुरू कर दिया। प्रियंका, can we have an encore of your performance without the music? I can sing. Why, you want to test me again? Is that what you want to do? It would also set the record straight if that's what you mean, but we would really like to hear that. I can sing just without the track for you, but not the whole song. Is that okay? That's fine. Who's asked me this question? Sure. What's your name? Susan. Come on stage with me. Come on. Come on, Susan. Yeah, it's quite complicated. From here is better. Yahan se. Hi, Susan. How are you? Hi, I knew it had to be you who asked me this question. Thank you. Okay, so I'll sing this one for her. Just a little bit is okay because I've sung it twice. Yeah. Even though she's testing me, I think I'll try and pass the test a little bit. Yeah, Camille, can you give me a little juice? All right. Turn down the lights. Turn down the bed. Turn down these voices inside my head. Lay down with me. Woo! Tell me no lies. Just hold me close. Don't patronize. हालांकि एक्ट्रेस ने अब तक वही तीन गाने गाए हैं जो उन्होंने साल 2013-14 के बीच में गाए थे। इसके बाद एक्ट्रेस ने अपना पूरा ध्यान एक्टिंग की तरफ ही दे दिया। आपको बता दें, प्रियंका चोपड़ा इन दिनों अपने शादीशुदा जीवन का लुत्फ उठा रही हैं। उन्होंने साल 2018 में अमेरिकी सिंगर निक जोनस के साथ शादी की और इसी साल एक बच्ची की माँ बनी है जिसका नाम हाल ही में सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रियंका और निक की बच्ची का नाम मालती मैरी चोपड़ा जोनस है। इस नाम जानने के बाद फैंस के बीच खुशी का लहर दौड़ गई है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं, और ऐसे ही बॉलीवुड के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉली न्यूज़ हब।